आप सभी का स्वागत है किचन टू किचन में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिल्कुल रस भरा डिलीशियस गुजिया की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत डिलीशियस लगता है, तो आप इस होली में इस गुजिया को जरूर अपने घर पे ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी लग रहा है दिखने में, और इसका जो एक एक लेयर है अंदर से बिल्कुल एकदम परफेक्ट, एकदम जालीदार है बिल्कुल अंदर से। और ये इसमें हमने जो स्टफिंग की है वो बिल्कुल इंस्टेंट मावा बनाकर किया है, उसका रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप ज़रूर देखिए कि सिर्फ 4 मिनट में आप जो इसकी फिलिंग है, मावा है, वो कैसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं डिलीशियस गुजिया बनाना। तो गुजिया बनाने के लिए एक बाउल ले लिया, इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे मैदा को। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, और मैदा में हमें डालना है घी। तो 2 बड़े चम्मच मैं घी डालती हूँ। आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैदा को मोइन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें घी या तेल आप ज़रूर यूज़ करें, और इसे अच्छे तरीके से हमें बिना पानी डाले बढ़िया से इसे मिक्स कर लेना है, जब तक कि इसका ऐसे इस तरीके से बंध नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं बंध रहा है बिल्कुल। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो रेडी करेंगे, मतलब आटा लगा लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटा लगाना है, अगर आप एक बार में पानी डालेंगे तो ये गीला भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जैसे पूरी के लिए आटा लगाते हैं वैसा ही, ना ही ज़्यादा बहुत कड़क और ना ही नरम हमें गूंथना है, नॉर्मल जैसे रोटी पूरी का आटा होता है वैसा। और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। अब देखिए मैंने ये मावा बनाया है, वो भी सिर्फ 4 मिनट के अंदर बिना किसी मेहनत के। अब मैं इसमें डाल दूंगी नारियल का बुरादा और पीसी हुई चीनी। चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से डालें। आधी छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। यहाँ पर मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम डाले और थोड़े से कटे हुए काजू डाल दिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, और बढ़िया तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे जब तक कि सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाती। तो ये हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब आटे को भी 10 मिनट अच्छे से रेस्ट हो गया है हमारा आटा, तो अब हम इसका लोई बना लेंगे। तो मैं बड़ा बड़ा लोई बना रही हूँ 3 इक्वल पार्ट में। आप चाहे तो छोटे छोटे जैसे पूरियाँ बेलते हैं वैसा उस साइज़ का भी लोई बना करके बेल सकते हैं, पर अगर बड़ी लोई बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, जो एक गुजिया है उसे हम फटाफट से भर कर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं 3 बड़ी लोई बनाई है, और ना ही हमें तेल लगाना है और ना ही मैदा लगाना है। बिना तेल बिना मैदा का इसे हम बढ़िया आसानी से बेल सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है क्योंकि हमने इसके अंदर घी डाला है, बढ़िया से ये बिलकर रेडी हो जाएगा। तो हम जैसे पूरी के लिए रोटी या पूरी बेलते हैं उससे थोड़ा सा ये पतला होना चाहिए, मोटा बिल्कुल ना बेले, ये पतला रहेगा उतना ही ये क्रिस्पी और अच्छा बनेगा। और एक मैंने कटोरी ले लिया है, आपके पास अगर कटर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और गुजिया को आपको बड़ा छोटा कैसे बनाना है ये टोटली आपके ऊपर है, तो आपको अगर छोटा गुजिया बनाना है तो आप छोटा कट करें जो गोल शेप है उसे, और बड़ा बनाना है तो बड़ा गोल शेप कट कर ले। तो यहाँ पर हमने फटाफट से बेल करके आप देख सकते हैं पूरियाँ तैयार कर ली हैं। एक बार में 6 से 7 पूरियाँ बढ़िया से तैयार कर लिया। अब हम फटाफट से इसके अंदर स्टफिंग भर देंगे। पूरियों को हम उठा करके साइड में रख लेते हैं, और अब हम ले लेंगे 1 पूरी और 1 चम्मच से कम मैं स्टफिंग ले रही हूँ, क्योंकि जो ये पूरी है वो काफ़ी छोटा है, तो इसीलिए अगर बड़ा ले रहे हैं आप तो 1 भरकर चम्मच डालें आप स्टफिंग उसमें, और स्टफिंग बिल्कुल सेंटर में डालना है, और इसे हमें पैक करना है चारों तरफ से। तो पानी के हेल्प से पहले हम अच्छे तरीके से इसे चारों तरफ पानी लगाना है। अगर आप इसे पैक नहीं करेंगे थोड़ा भी अगर ये फट जाएगा तो तेल भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और गुजिया भी। तो आपको ध्यान रखना है कि चारों तरफ पानी बढ़िया से लगा देना है, और उसके बाद इसे बढ़िया से हमें पैक करना है बिल्कुल सावधानी से। बहुत आसान है इसे शेप देना। तो ये देखिए यहाँ पर हमने बढ़िया तरीके से फोल्ड कर लिया है, और अब हम इसे बढ़िया एक शेप देंगे। तो शेप देना भी बहुत आसान है। अब हम गुजिया को उठाएंगे, आपको मैं पास से दिखाती हूँ। कुछ नहीं करना है, जो हमने इसको सील किया है, जो
पैक किया है पानी की हेल्प से। जो आटा आपको दिख रहा है उसके अंदर की तरफ हमें मोड़ लेना है। देखिए आप देख सकते हैं मैं जैसे मोड़ रही हूँ वैसे, बस जो बाहर निकला हुआ पार्ट है आटे का उसे हमें अंदर की तरफ एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाते हुए फोल्ड करना है। इससे बहुत बढ़िया मतलब डिज़ाइन आ जाता है गुजिया को, और फ्राई होने के बाद वो बढ़िया से फूल जाता है, जो दिखने में और भी अच्छा लगता है और खाने में काफ़ी मतलब क्रिस्पी होता है ये जो साइड वाला जो हम डिज़ाइन देकर रेडी कर रहे हैं वो। तो देखिए यहाँ पर हमने फटाफट से ये हमारी पहली गुजिया बना करके रेडी कर ली है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये दिखने में, और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे हम। एक और गुजिया मैं आपको फटाक से रेडी करके दिखाती हूँ। सेम वैसा ही करना है, हमने जो पूरी बना के रखा वो ले लिया, एक चम्मच से थोड़ा सा कम स्टफिंग डाल दिया है और इसे बिल्कुल सेंटर में डालना है, और पानी की हेल्प से अच्छे से हमें चारों तरफ इसे लगा देना है पानी को। और अब इसे हम बढ़िया से पैक कर लेंगे, हाथ को अच्छे से हमें प्रेस करते हुए मतलब इसे दबाना है ताकि ये खुले ना, और अब फटाफट से गुजिया को शेप दे देंगे। जो बाहर की तरफ का जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हमें अपनी तरफ मतलब अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। देखिए बढ़िया सा एकदम डिज़ाइन आ रहा है ना, तो इसी तरीके से सारी गुजिया को हम बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए तो ये हमारा दूसरा गुजिया भी बिल्कुल बन करके रेडी हो गया है, और इसे प्रेस कर देना है। तो इसी तरीके से फटाफट से मैं सारे गुजिया को देखिए बनाकर रेडी कर ली हूँ। यहाँ पर हमारा जो गुजिया है बिल्कुल रेडी है, और अब मैं इसे एक कपड़े के हेल्प से ढक करके साइड में रख देती हूँ। तब तक हम फटाक से चाशनी बना लेंगे, क्योंकि इसे हमें चाशनी में भी डालना है फ्राई होने के बाद। तो चाशनी के लिए गैस स्टार्ट कर दिया है, एक बाउल रख दिया, उसमें मैं डाल दी हूँ एक कप से मेजरमेंट। आप कोई कटोरी या ग्लास ले लें, उस सेम कप से हमें पानी लेना है, सेम कप से चीनी लिया है, मतलब एक कटोरी चीनी लिया है तो एक कटोरी पानी लिया है। और बहुत ज़्यादा इसे एक तार वाली या चाशनी हमें नहीं बनाना, बस चीनी और पानी को अच्छे से घुलने देना है। दो हरी इलायची डाल दिया है मैंने फ्लेवर के लिए, आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं, और जैसा मध जो होता है हनी होता है जैसे उसकी कंसिस्टेंसी होती है सेम वैसा होने तक हमें इसे पकाना है। लगभग 6 से 7 मिनट में बढ़िया से बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है। तो गैस का फ्लेम बंद कर दिया और इसे हम साइड में ढक करके रख देते हैं, और अब फटाफट से जो गुजिया है उसे फ्राई कर लेंगे। तो तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था पहले से, तेल हमारा गरम हो गया है। थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आटा मैंने डाला था वो बिल्कुल बबल होके ऊपर आ गया है, उसे निकाल लिया है। और अब गैस का फ्लेम बिल्कुल हमें स्लो रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब हम इसके अंदर गुजिया या पुरुकिया डालेंगे तब ये गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो होना चाहिए, ताकि जो गुजिया है वो बिल्कुल अंदर तक क्रिस्पी बने और अच्छे से पके। अगर आप हाई फ्लेम पे गैस रखेंगे तो ये फटाफट से फ्राई तो हो जाएंगे, ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे, लेकिन जब आप इसको चाशनी के अंदर डालेंगे तो फटाक से वो नरम पड़ जाएंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे और ना ही अंदर से इसका जो लेयर है वो उभरेगा। तो इसीलिए आपको इसे बढ़िया से बिल्कुल धीमे आँच पे स्लो फ्लेम पे इसे बढ़िया से पकाना है। तो आप देख सकते हैं गुजिया जो है हमारे हल्के से कलर चेंज होने लगे हैं, तो इसे हम पलट देंगे और बिल्कुल धीमे आंच पे इसको गोल्डन होने तक हम बढ़िया से पकाएंगे मतलब फ्राई करेंगे। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन जब ये बनकर रेडी होता है तो बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो आप स्लो फ्लेम पे ही गुजिया को फ्राई करें, इससे जो गुजिया है वो बिल्कुल रस में जाने के बाद भी क्रिस्पी रहेगा, और बीच बीच में इसे आप पलटते रहें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गुजिया का कलर है चेंज हो गया है, और मैं इसे थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे भी निकाल सकते हैं, पर मैं इसे और थोड़ा सा डार्क करूँगी, क्योंकि निकालने के बाद भी इसका जो कलर है वो हल्का सा डार्क हो जाता है। तो और हम कुछ सेकेंड के लिए इसे फ्राई होने देते हैं, गैस का फ्लेम हमने स्लो ही रखा है। तो यहाँ पर जो गुजिया है वो बिल्कुल देखिए एकदम दिखने में ही लग रहा है कि बिल्कुल क्रिस्पी सा फ्राई होकर रेडी है। तो इसे हम निकाल लेंगे। अभी ये भले आपको हल्का सा मतलब हल्का कलर लग रहा है, लेकिन जैसे ही निकाल कर रखेंगे 3-4 मिनट के लिए तो ये डार्क हो जाएगा कलर इस गुजिया का। तो इसे हम फटाक से निकालते हैं, और जो चाशनी है वो भी हमारी हल्की सी गर्म है,
और एक गुजिया बिल्कुल गर्म है, तो पहले हम सारे गुजिया को निकाल लेते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी ये फ्राई हुआ है, एकदम परफेक्ट, और जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में। तो सारी गुजिया को हमने यहाँ पर निकाल लिया है और बाकी के जो गुजिया हैं वो भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे बिल्कुल धीमे आंच पे। और जो गुजिया हमने फ्राई करके रेडी किया है उसे हम डाल देंगे चाशनी के अंदर। चाशनी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुजिया हमारा गर्म है, और इसके ऊपर बढ़िया से हम कोटिंग कर देंगे जो हमने चाशनी बना के रखा है, शुगर सिरप जो बनाया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसे 1 से 2 मिनट तक इसमें छोड़ सकते हैं। मैं इसे सिर्फ 50 से 60 सेकेंड के लिए छोड़ूंगी और उसके बाद इसे फटाक से निकाल लूँगी। ऐसा नहीं है कि ये नरम पड़ जाएंगे, बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे। बस आपको जो मैंने फ्राई करने वाला टिप बताया वो आप ध्यान में रखें, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे गुजिया को फ्राई करें ताकि ये नरम ना पड़े रस में जाने के बाद। तो लगभग हो गए हैं 50 से 60 सेकेंड, तो मैं इसे फटाफट से निकाल लेती हूँ। देखिए इसके ऊपर बढ़िया से जो रस है चाशनी है उसकी बढ़िया से कोटिंग हो चुकी है, और यहाँ पर हम फटाक से जो गुजिया है उसे रस में से निकाल लेते हैं। दिखने में ये बहुत डिलीशियस लग रहा है ना, बिल्कुल रस से भरा और क्रिस्पी, और इसका स्वाद तो बहुत बहुत डिलीशियस है, और बनाना इसे बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमने सारी गुजिया को प्लेट में निकाल लिया है और ऊपर से थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देंगे कटे हुए पिस्ते को, जिससे ये और डिलीशियस लग रहा है दिखने में। तो ये हमारा बिल्कुल, इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, और बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत डिलीशियस है। आपको मैं एक गुजिया पास से दिखाती हूँ तोड़ करके, आप देख सकती हैं कितना क्रिस्पी है और कितना जूसी बना हुआ है। ऐसा नहीं कि रस में जाने के बाद ये नरम पड़ गया, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल क्रिस्पी और रस, बिल्कुल रस से भरा हुआ गुजिया हमारा मावा गुजिया बन करके बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ये बहुत डिलीशियस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।